अरे दोस्तों, स्वागत है आपका 100% टिप्स में। आज हम बात करने वाले हैं ओनली एक्टिवा के बारे में, केवल बात करने वाले हैं और कुछ हम कंपनी ट्रेनिंग के थ्रू कुछ बताने वाले हैं, जिससे कि मुझे कमेंट आ रहे थे कि भैया टेपिड गैप हमें कितना रखना चाहिए एक्टिवा का और कंप्रेशन कितना रखना चाहिए, तो वही सारी मैं बातें इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं बताता हूँ इसका प्रोसेस एक्टिवा 4G का, कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है और क्या क्या चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए और क्या क्या चीज कब कब हमें चेंज कर लेनी चाहिए अपने एक्टिवा 4G में, 110cc में। तो चलिए तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टैपिड गैप की। सबसे पहले हमारा कमेंट यही था कि टैपिड गैप कितना रखना चाहिए। तो दोस्तों टैपिड गैप हमें रखना चाहिए एक्टिवा 4G का 0.15, यानी कि 15, दोनों के दोनों 0.15 रखना चाहिए, तब आपकी गाड़ी एकदम ओके आ जाएगी। 0.15 रखेंगे आप तो आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, दोनों के दोनों बराबर रखने एक्टिवा के। और हम उसके बाद बात करते हैं बेल्ट की। कई बार बंदे बोलते हैं कि सर मैं बेल्ट कब कब चेंज करनी चाहिए, तो मैं फैन बेल्ट की बात करता हूँ इसकी। फैन बेल्ट हमें चेंज करनी है 24,000 किलोमीटर या फिर आपको 2 साल में, या फिर 2 साल, या 24,000 किलोमीटर या फिर 2 साल, आप इन दोनों में अपनी फैन बेल्ट चेंज कर सकते हैं। इससे आपकी गाड़ी एकदम एक्यूरेट पिकअप बना रहेगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। टैपिट आपको 0.15, 0.15 एग्जॉस्ट और इनलेट दोनों ऐसे ही रखने पड़ेंगे, 0.15 और 0.15 दोनों के दोनों वाल, इनलेट और एग्जॉस्ट दोनों वाल। तो और अब हम बात करते हैं स्पार्क प्लग की। स्पार्क प्लग में गैप कितना होना चाहिए और कब बदल देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों मैं सबसे पहले गैप की बात करता हूँ। स्पार्क प्लग गैप गैप हमने रखना है 0.8 और 0.9। स्पार्क प्लग का गैप होगा हमारा 0.8 और 0.9, आप नोट कर लेना है इसको, ये सारी चीजें। और चेंज हमें कब करना है वो मैं बताता हूँ आपको। चेंज करना है हमने ये 16,000 किलोमीटर किलोमीटर तो ये मैं केवल कंपनी का बता रहा हूँ, जो मुझे कंपनी में सिखाया गया है मैं वही चीज आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो ये आपको 16,000 किलोमीटर में चेंज कर देना है। अब उसके बाद में हम बात कर ले टैकोमीटर। टैकोमीटर से हम जब अपनी गाड़ी सेट करते हैं तो हमें टैकोमीटर कितने पॉइंट पे रख के एक्सीलेटर हमें कितना सेट करना है गाड़ी का। तो सबसे पहले हम अपने स्कूटर की ही बात कर लेते हैं। स्कूटर में हमारा टैकोमीटर आपको रखना है 21.42 के आसपास, जब आप इतना रखेंगे। और उसके बाद हमको अपनी गाड़ी या स्कूटर जो भी है आपको बढ़िया से स्टार्ट कर लेना है, गर्म कर लेना है अच्छे से। उसके बाद जब आप गर्म कर लेंगे उसके बाद हमको ये टैकोमीटर लगा देना है, 21.42 में रख के लगा देना है। लगाने के बाद हमको 1200 से 1700 के बीच में, अगर आप छोड़ते हैं 1200 × 1700 के बीच आप RPM छोड़ते हैं तो आपकी गाड़ी स्लो रनिंग बंद नहीं होगी, एकदम स्लो रनिंग में रुक जाएगी। 1200 से 1700 के बीच में आप इसको रख सकते हैं। तो ये हुआ हमारा टैकोमीटर। अगले हम बात करते हैं इसकी गेज के बारे में, कंप्रेशन गेज, तो हमें कितना कितना रखना चाहिए, किस किस गाड़ी का कंप्रेशन कितने कितने में दिखाएगा। तो कंप्रेशन गेज हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने स्कूटर की। स्कूटर हमारा कंप्रेशन जब आप चेक करते हैं तो सबसे पहले उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गाड़ी का स्विच ऑफ करना पड़ेगा, स्पार्क प्लग खोल लेना होगा, उसमें हमें गेज लगा लेना होगा। गेज लगाने के बाद हमको इग्निशन स्विच ऑफ करना है और थ्रोटल जो है फुल देना है, पूरा खींचना है एक्सीलेटर। और उसके बाद 2 से 3 किक मारनी है, उसके बीच में अगर 9 से +10 के बीच में आएगा, 9 + 10 के बीच में, तो आपका कंप्रेशन बिल्कुल ठीक है। और इतना नहीं आता है, इससे सपोज आपका 7.8 आता है तो आपको क्या करना है, हल्का सा ऑयल लेना है, नया ऑयल लेके उसे प्लग के गैप में खोल लेना है, गैप में लगाना है, प्लग के अंदर थोड़ा हल्का सा डालना है और फिर 3-4 किक मारने के बाद फिर गेज लगा के चेक करना है, तो आपका 9 + 10 के बीच में आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं शाइन की। 125 से 160 सीसी के बीच में हमारी जो होंडा की गाड़ियां हैं
उनका कंप्रेशन हमने कितना रखना है, उनका कंप्रेशन रखना है आपने 11 से 13 के बीच में। अगर इतना कंप्रेशन होगा तो गाड़ी आपकी एकदम ओके रहेगी। 11 मल्टीप्लाई 13 आप इसके बीच में अगर रखेंगे तो आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। तो अभी हम बात कर लेते हैं जरा गाड़ी के स्टार्टिंग के बारे में। गाड़ी को हमें स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीज एक्यूरेट एक तरह से चाहिए होगी, तो सबसे पहले हमें गाड़ी में चाहिए होता है पेट्रोल। पेट्रोल के बाद आ जाते हैं हम हवा, हवा चाहिए होती है। हवा के बाद आ जाते हैं स्पार्क, जिससे वो करंट स्पार्क करता है। उसके बाद आ जाता है हमारा कंप्रेशन। अगर कंप्रेशन आपकी गाड़ी में कम होगा तब भी स्टार्टिंग में गाड़ी दिक्कत करेगी। अगर ये तीनों बराबर मात्रा में आ रही होंगी तो एक ही शॉट में गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी आपकी। पहला पेट्रोल, हवा, स्पार्क, कंप्रेशन, अगर ये तीनों चीजें सही होंगी तो आपकी गाड़ी एकदम स्टार्ट हो जाएगी, स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं करेगी। तो मैंने ये सारी चीजें बता दी आपको, फैन बेल्ट बता दिया, स्पार्क प्लग गैप बता दिया, टैपिट गैप बता दिया है, और टैकोमीटर बता दिया है कितने में रखना है और कितने आरपीएम पे गाड़ी आपकी ठीक रहेगी। स्कूटर का कंप्रेशन बता दिया है, 125 से 160 सीसी के बीच में भी कंप्रेशन बता दिया है मैंने। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कार्बोरेटर के बारे में। कार्बोरेटर दो प्रकार के होते हैं हमारे, कार्बोरेटर दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक होता है हमारा पीबी कार्बोरेटर और एक होता है सीबी कार्बोरेटर। पीबी कार्बोरेटर हमारा किसमें लगता है वो मैं आपको बताता हूँ। सीबी कार्बोरेटर हमारा जो है, सॉरी, पीबी कार्बोरेटर जो है हमारा स्कूटर में लगता है, स्कूटर में। और जो पीवी सीबी कार्बोरेटर होता है वो हमारा शाइन और अदरवाइज बाइकों में लगता है जिसमें बटरफ्लाई लगी होती है, तो होता है सीबी कार्बोरेटर। और पीबी कार्बोरेटर वो होता है नॉर्मल वाला जो हमारे स्कूटर में आता है दोस्तों। स्कूटर आने के बाद तो मैंने अभी आपको दोनों कार्बोरेटर के बारे में बता दिया है। तो अब हम दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें हमारे वीडियो को। और अगली वीडियो में मैं लाने वाला हूँ सर्विसिंग, कि सर्विसिंग में हमारा क्या क्या काम होता है स्कूटर प्लस बाइक्स, सबके बारे में मैं बताने वाला हूँ कि सर्विसिंग में कंपनी क्या क्या बताती है, काम क्या की क्या क्या काम होता है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को बस यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।